ढबरा थाना क्षेत्र में रेत रायल्टी के नाम पर अवैध वसूली देखने को मिल रही है। आज फिर ढबरा थाना के सामने इनके द्वारा ट्रैक्टर को रोककर वसूली करते देखा गया है। वहीं पुलिस थाने के सामने इस तरह दिन में अवैध वसूली करना लोगों के मन में पुलिस की छवि पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ट्रैक्टर मालिकों ने बताया कि रेत ले जाते वक्त रायल्टी के नाम पर अब 2500 से 5000 तक की उगाही की जा रही थी। जब ट्रैक्टर चालकों ने रुपए के बदले रसीद मांगी तो इन्होंने कहा कि डबरा तहसीलदार हमारे साथ में है, ज्यादा नखरे की तो ट्रैक्टर जब्त करा दिया जाएगा, कह के धमकाने लगे। रसीद देने से साफ इनकार कर दिया और धमकी दी गई कि यदि ज्यादा बात करोगे तो तुम्हें ढबरा थाना ले जाकर तुम्हारे वाहन को जब्ती बनवा दिया जाएगा। किसान नियम नहीं जानने व जब्ती के डर से इन्हें पैसा दे रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि कांग्रेस नेता दिवाकर यादव के नाम पर ठेका है बताया गया, जबकि सच्चाई यह है कि ढबरा ब्लॉक में एक जगह मात्र बरहागुडा रेत खदान का ही ठेका हुआ है जो घनश्याम चंद्रा के नाम पर है, बाकी कहीं का ठेका नहीं हुआ है। फिर भी इनके द्वारा पूरे ब्लॉक में घूम घूम कर अवैध तरीके से वसूली की जा रही है। ठेकेदार के लोग बलपूर्वक किसानों का दोहन कर रहे हैं। लोगों ने बताया कि दुर्भाग्यवश इसमें हमारे कुछ जवाबदार अधिकारी इनके साथ खड़े होकर इनको अवैध वसूली में सहयोग दे रहे हैं। इन कारणों से इनका मनोबल बढ़ा हुआ है तथा इनका अवैध वसूली का धंधा धलड़े से फल फूल रहा है। उड़न दस्ता टीम बनाकर घूम घूम कर रेत रायल्टी की वसूली की जा रही है, जिससे किसानों में भारी आक्रोश नजर आ रहा है। अवैध रेत रायल्टी का असर नगरी निकाय चुनाव व पंचायत चुनाव पर कितना बुरा असर डालता है ये तो समय ही बताएगा। हाँ, कुछ घटी हुई रेता लाना रहे तो मतलब रोड में पकड़ी से तहसीलदार भी रही साथ में, पैसा मांगी 2500 रुपये दे हैं। राल्टी उल्टी कहीं तो देखे हैं तो नहीं दा कहीं नहीं रही थी। ऐसा हुआ मैं रेता लेके आया साहब, तो खनिज विभाग से आया करके 2-3 गाड़ी पे आया था मार्शल पे और मेरे पास 5000 लिया, कागज वगज कुछ नहीं दिया। कहाँ से रेता लेके आ रहे थे आप? मैं मंजीडेरा से आ रहा था। क्या काम करते हो रेता को आप? किसान लोग के घर में रहे, मतलब इंदिरा आवास है उसमें दे रहा था। जलानी साथ उठी से रहता रात रहे तो बीच में ना रोकी से 3 मार्शल में रही नहीं तो पैसा मांगी तो चुपचाप ऐसे बड़ा के मांगा कहे ना तो 20000 नहा के फिर सरपंच रही से ठनगन के तो कंप्यूटर में ऐसी नहीं तो 3500 रुपया दे नाला और बात अपन भाग गई थी। कौन कौन रहे मेरा तहसीलदार तो कहे से लेकिन चिन्ह नहीं पाया रहे कोई ले। हमें अभी जो है जितने भी स्वीकृत रेत घाट है जहाँ भी नीलामी से रेत घाट संचालन हो रहा है वहाँ माइनिंग की टीम लगातार जा रही है और वो खनि निरीक्षक और जो अपने होमगार्ड के जवान हैं उनके साथ हम लोग निरंतर अवैध परिवहन पे उत्खनन की जांच कर रहे हैं। यदि विभाग से अलग हटके कोई व्यक्ति और कोई अवैध वसूली कर, इसकी हमको जानकारी नहीं है, अभी आपके बोलने से संज्ञान में आए और इसकी हम लोग जाँच कराएंगे। और मैं लोगों से अपील करता हूं कि अगर उनसे कोई पर्ची रायल्टी पर्ची या अन्य कोई दस्तावेज की मांग करता है खनिज प्रसंस्करण वाहनों से तो उन लोग उनसे उनका परिचय पूछें और यदि वो हमारे विभाग से संबंधित व्यक्ति नहीं है, प्रशासन से संबंधित व्यक्ति नहीं है तो थाने में इसकी इतला दें। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।